वायुसेना से हटेंगे MiG-21, एक स्क्वाडन होगा रिटायर। क्यों कहा जाता था उड़ता हुआ ताबूत? भारतीय वायुसेना अपने बेड़े से MiG-21 लड़ाकू विमानों को हटाने जा रही है। एयरफोर्स 30 सितंबर को अपने MiG-21 फाइटर्स के 4 शेष स्क्वाडनों में से एक को रिटायर करने जा रही है। श्रीनगर स्थित 51 नंबर की इस स्क्वाडन को स्क्वाड आर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। बता दें, MiG-21 लड़ाकू विमान से ही ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने 27 फरवरी 2019 को नियंत्रण रेखा पर डॉग फाइट के दौरान पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था। भारत ने 26 फरवरी को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। इसके बाद पाकिस्तानी वायुसेना ने भारत पर भी हमले की कोशिश की थी, जिसका करारा जवाब भारत ने दिया था। इस दौरान अभिनंदन वर्धमान POK में MiG-21 से गिर गए थे और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। भारत के कूटनीतिक दबाव के बाद पाकिस्तान ने 2 दिन में ही अभिनंदन को शकुशल बाघा बॉर्डर पर छोड़ा था। दरअसल MiG-21 एयरक्राफ्ट काफी पुराने हैं और उस पर सवार होने के बाद भी अत्याधुनिक फाइटर जेट F-16 को मार गिराने को लेकर अभिनंदन वर्धमान की जमकर तारीफ की गई थी और वो नेशनल हीरो के तौर पर सामने आए थे। क्यों कहा जाने लगा उड़ता ताबूत? MiG-21 विमानों को वायुसेना में 1963 में शामिल किया गया था। विभिन्न किस्म के करीब 900 विमान वायुसेना में शामिल हुए थे। MiG-21 के बाकी 3 स्क्वाड्रन को 2025 तक हटा दिया जाएगा। हाल के सालों में MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ऐसे में MiG-21 की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। बीते 6 दशकों में 400 से अधिक विमान दुर्घटना का शिकार हुए हैं। इन विमान दुर्घटना में करीब 200 पायलटों की भी मौत हुई है। बार बार हादसों के चलते इन्हें उड़ता ताबूत कहा जाने लगा था। पिछले एक दशक में वायुसेना के 5 नई स्क्वाड्रन बनी हैं। इनमें 3 राफेल और 2 LCA तेजस की है। सवाल सिर्फ MiG-21 विमानों को फेज आउट करने का नहीं है, बल्कि मिराज जगवार भी पुराने हो चुके हैं। वायुसेना के पास 49 मिराज और 139 जगवार हैं। उन्हें अपग्रेड करने की योजना है, लेकिन उस पर भारी भरकम खर्च आ रहा है। बेहतर तो यही समझा जा रहा है कि उन्हें अपग्रेड करने के बजाय नए खरीदे जाएं। हालांकि अब तक इस पर कोई भी निर्णय नहीं हो पाया है।